अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर राजनीतिक दलों के निशाने पर। बीते गुरुवार को ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुल्लाबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाए, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पूर्व सांसद और शिवसेना नेता चंद्रकांत खेरे ने अकबरुद्दीन पर आरोप लगाया कि वह एक राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित, वो भी सरकारी कर्मचारी था, वो काम कर रहा था। ये बार बार हो रहा है कश्मीरी पंडितों के बारे में। सरकार हमारी, मोदी जी, अमित शाह जी, बहुत ही इमोशनल है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी, 7 साल में कितने घर वापसी हो गए मालूम नहीं, लेकिन जो थे उनको भी वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। जिस प्रकार की हत्या कलुष युवा कश्मीरी पंडित की हुई है वो बहुत दर्दनाक है। मैं उनके फैमिली का आक्रोश देख रहा था, बच्चे, उनकी वाइफ, पत्नी, सभी लोग। ये जो चल रहा है कश्मीर में फिर एक बार, ये क्या साजिश है? बार बार कश्मीर की तरफ उंगली मत उठाइए, पाकिस्तान की तरफ उंगली मत उठाइए। हम क्या करने जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए? ये बहुत ही अहम सवाल है। 370 निकालने के बाद भी अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो रही है, कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, कश्मीरी पंडित भी है और वहाँ की आम जनता भी सुरक्षित नहीं है, ये बात सिर्फ पंडितों तक अब सीमित नहीं है। फिर एक बार कश्मीर में अस्थिरता और अशांतता का जो माहौल बना है, वो माहौल आपको बहुत ही कठोर निर्णय लेकर ख़त्म करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे से कश्मीरी पंडितों का मामला या कश्मीर का मामला हल नहीं होगा। आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।